संग चल रहा है कि साधु का बल क्या है, तो बतलाया है प्रारब्ध ही बल है। अर्थात जो साधु पुरुष है, जो संसार की अधिक तृष्णा में नहीं उलझे हुए है, ऐसे लोग सहज प्रारब्ध के अधीन अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। तो बल क्या हुआ? दैव ही बल है। फिर पूछा था कि कह साधु, तो साधु कौन है? तो कहा था सर्वदा तुष्ट, जो क्या है, सदा ही संतुष्ट। कोई शिकायत, कोई चाह जिसके चित्त में नहीं है, साधु। समझ आया? साधु का मतलब ये नहीं है कि वेश धारण कर ले, गैरिक वस्त्र धारण कर लिए और चित्त में अनेकों कामनाएं हैं, अनेकों तृष्णा है पद पाने की, पदार्थ पाने की, प्रतिष्ठा प्रसिद्धि पाने की, तो फिर साधुता नहीं है। साधुता का मतलब है सर्वदा तुष्ट। अब बुद्धि में बहुत चीजें बैठ जाती है। लोग समझते हैं कि साधु तब तक तो हम साधु हुए ही नहीं जब तक यदि हम प्रसिद्ध नहीं होंगे तो। यदि हम प्रसिद्ध नहीं हुए तो हम क्या साधु नहीं, और जो प्रसिद्ध है वही वास्तव में साधु, ऐसी मानसिकता बन जाती है। लेकिन ये मानसिकता साधु के लिए अत्यंत हानिकर है। साधु तो वही जो दैव के अनुसार जीवन निर्वाह करे, जो कुछ प्रारब्ध से सहज ही प्राप्त हो जाए, कम से कम प्रयत्न में, सहज प्रयत्न एक होता है, सहज प्रयत्न एक होता है प्राणपण से प्रयत्न करना। जैसे संसारी है तो वो कुछ भी पाने के लिए क्या करता है, धन पद आदि पाने के लिए प्राणपण से प्रयत्न करता है, सब कुछ न्योछावर कर देता है। लेकिन एक साधु भी है, जैसे उसको भूख लगी प्यास लगी तो सहज यतन तो करेगा ना, और सहज यतन में जो प्राप्त हो गया उसमें ही संतुष्ट। तो इसका मतलब ये नहीं कि यतन नहीं करना है, लेकिन एक सहज यतन, क्योंकि सहज यतन के जो संस्कार है वो चित्त में अंकित नहीं होते, और जो अत्यंत प्रयत्न पूर्वक दृढ़ता पूर्वक जो यतन किया जाता है उसके संस्कार क्या होते हैं, चित्त में संचित होते हैं। और एक तो आपने जो क्रोध का अभिनय किया, ऐसे समझिए जैसे आपने क्रोध का अभिनय किया तो उसके संस्कार चित्त में संचित नहीं होंगे,
और एक आपने जो क्रोध किया तो उसके संस्कार चित्त में संचित अंकित होते हैं, और चित्त में जो अंकित संचित संस्कार है उनसे ही सब कुछ हो रहा। जमना गमनागमन जन्म मृत्यु लोक परलोक सुख दुख पाप पुण्य सब किससे प्राप्त होता है? चित्त में जो कुछ भी संस्कार अंकित हो जाते और सहज यतन करने से, कोई मिला है आपको, उससे आप मिले, प्रसन्नता पूर्वक मिले, ठीक है, फिर उसकी कोई स्मृति नहीं रहती है। और यदि मित्र मिल गया तो उसकी स्मृति रहती है क्योंकि उससे राग है, और शत्रु मिल गया तो उसकी भी स्मृति रहती है क्योंकि उससे द्वेष है। तो उसके संस्कार क्या होते हैं? पहले से भी चित्त में थे और अब मिल जाने से, बिछुड़ने से और क्या हो जाते हैं? और भी अधिक संचित हो जाते। तो बात केवल इतनी है, बात तो इतनी ही है, इस जीव का बंधन कहो, भ्रमण कहो, जन्म मरण कहो, उसका हेतु केवल संस्कार है, और संस्कारों का हेतु अज्ञान है। संस्कारों का हेतु बार बार बोलते हैं ना, अविद्या, काम और कर्म। अविद्या माने अज्ञान, अज्ञान से स्वरूप का अज्ञान हुआ तो फिर क्या होती है? चित्त में कामना का जन्म होता है। जैसे ही हम अधूरे हुए, अपने आप को अधूरा मानते हैं, वैसे ही क्या होते हैं? पूरा होना चाहते हैं, उसी का नाम कामना है। उसी के द्वारा क्या होना चाहते हैं? पूरा होना चाहते हैं ना, है पूरे, लेकिन अपने पूरे पने का अज्ञान हो गया है तो हम क्या? पूर्ण। लेकिन अज्ञान से अपने को क्या मान लिया? अपनी पूर्णता का ज्ञान नहीं, इसलिए अपने को अपूर्ण मानते। और जैसे ही अपूर्णता का भाव आता है वैसे ही कामना का जन्म होता है, और जैसे ही कामना का जन्म होता है वैसे ही कामना पूर्ति के लिए कर्म होता है, और जैसे ही जो भी कर्म करता है उसके शुभ अशुभ कर्म के अनुसार धर्म अधर्म पाप पुण्य उसका फल हो जाता है, और उनको ही ये क्या करता है? विविध शरीरों में भोगता रहता है। तो अज्ञान तो मुख्य है, लेकिन अज्ञान के पश्चात ये जो संस्कार है, ये जो संस्कार है यही वास्तव में इसके जन्म के हेतु है। तो एक जो क्रोध किया जा रहा है दिखावा, वो क्रोध नहीं है और उसके संस्कार संचित भी नहीं होते, लेकिन जो क्रोध वास्तविक है उसके संस्कार क्या होते हैं? संचित होते हैं, और वही फलदायी है। इसलिए सहज यतन तो प्रारब्ध भोग में सहायक है, और जो अत्यंत प्रयत्न पूर्वक दृढ़ता पूर्वक जो यतन किया जाता है वो प्रारब्ध भोग के साथ साथ क्या करता है? आगे कर्म का भी संचय, संस्कारों का भी संचय करता है। तो इस तरह है, संसारी तो क्या करता है? संस्कार संचित करता जाता है प्रारब्ध भोग के साथ साथ, और जो साधु है उसके लिए कहा है वो केवल प्रारब्ध का भोग कर लेता है और उसके संस्कार चित्त में संचित नहीं होते हैं। तो यही कहा है कि यही साधु का बल है, और साधु वही जो सर्वदा तुष्ट है। पद पाने की भी, प्रतिष्ठा पाने की, प्रसिद्धि पाने की चाह नहीं है, जबकि ये बहुत मीठी होती है। पद, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, ये क्या है? बहुत मीठी है कि अच्छे अच्छे लोग इसमें मगन हो जाते हैं, डूब जाते हैं, मर्म को नहीं समझ पाते हैं। उनको लगता है कि हमने तो कुछ किया नहीं है,
सदा संतुष्ट रहना, सदा प्रसन्न रहना, सदा चित्त में कामना वासना रहित रहना, ये सबसे बड़ा काम है ना। लेकिन इसको करने को समझते हमने तो कुछ भी नहीं किया, ना तो हमने मठ बनाया, ना कोई मंदिर बनाया, ना प्रसिद्धि प्राप्त की हमने, ना हमारा कहीं यश कीर्ति है, तो हमने जन्म लेकर के कुछ नहीं किया, ऐसा भ्रम पाल लेते हैं ना। ना हमने कोई ग्रंथ लिखा, ना हमने कोई अनुयायियों की खोज बनाई, हमने तो कुछ भी नहीं किया, ना हमने कोई बहुत बड़ा वो खड़ा किया आयुर्वेद का या किसी चीज का, ना हमने कोई गुरुकुल खोला, ना हमने कोई बहुत बड़ी गौशाला बनाई, तो हमने कुछ भी, अरे कुछ नहीं तो करना है ये कर, कुछ कुछ करने वाले तो दुनिया है, जो कुछ भी ना करे वही क्या है, वो साधु है। ठीक है, जो कुछ भी ना करे वो क्या है, और जो कुछ करे वो क्या है, वो संसारी है। समझ आया? तो करने का मतलब यही है कि चित्त में जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार है और जो अज्ञान है उसकी जड़ों के साथ उखाड़ फेंकना, यही क्या हो गया, यही बड़ा कर्म हो गया कि साधु होकर के बड़ा काम। उसको तो काम नहीं मानते ना, काम तो ये मानते हैं कि बहुत बड़ा, आपने तो बहुत विस्तार किया जी, आपने तो बहुत बड़ा मठ बनाया, इसको काम मानते हैं। तो ये काम नहीं है, काम तो यही है कि चित्त निर्वासना, बताया ना मनोनाश वासना क्षय, मतलब सर्वस्व का नाश करना ही काम है। मन का नाश हो गया, वासनाओं का क्षय हो गया, तो रह क्या गया, अद्वितीय तत्व रह गया। क्योंकि द्वैत का जनक जन्मदाता कौन है, मन। ये द्वैत का जन्मदाता और इसको सत्ता देने वाला, पालन करने वाला, रक्षा करने वाला कौन है, और ये जो मन का नाश हो गया तो क्या हो गया, सर्वनाश हो गया। जिसको चुड़ाला ने कहा है कि सर्वस्व के त्याग से ही आपको आत्मपद की प्राप्ति होगी, तो ये सर्वस्व का त्याग है। मन का त्याग क्या है, तो मन के त्याग से मतलब है जीवत्व का त्याग हो गया, सबका त्याग हो गया ना, अहमता का त्याग, जीवत्व का त्याग, ये सब त्याग हो गए ना मन के विलय हो जाने से, नाश हो जाने से। वासना तानवम मोक्षः, ऐसे पीछे आपने सुना भी था विवेक चूड़ामणि में, वासना तानवम फिर आया था, वासना प्रक्षयः मोक्षः, ये भी आया था मई पर, कि वासनाओं का क्षीण हो जाना यही क्या है, यही मोक्ष, यही क्या है, यही मोक्ष है। तो फिर आप कहोगे जी वासना तो दिख रही है, जिस ज्ञानी में के क्या वासना दिख रही है, खाने की वासना है, बोलने की वासना है, हैं कर भी रहा है, तो ये वासना है, तो ये वासना उसमें नहीं है, वो तो क्या है, वो बाधितानुवृत्ति से संसारी को दिख रही है, लेकिन उसमें नहीं है, वो अपने में इसको अंगीकार स्वीकार नहीं करता है, वो जानता है यदि जो कुछ है भी, संकल्प विकल्प है भी, तो किसमें है, चित्त में है, मुझ में नहीं, किसमें है, चित्त में है, मुझ में नहीं है। यदि संकल्प विकल्प प्रारब्ध क्षयार्थ है, इसके लिए प्रारब्ध क्षय के लिए, क्योंकि प्रारब्ध का तो भोग से ही क्षय है। हाँ, जिसको ज्ञान हो गया है उसके लिए ना शरीर है, ना प्रारब्ध है, ना चित्त है उसके लिए, लेकिन अज्ञानी को तो क्या दिख रहा है, ज्ञानी का शरीर भी दिखता है, उसका प्रारब्ध भोग भी दिख रहा है, उसका मन बुद्धि भी दिख रहा है, लेकिन उसकी स्वयं की दृष्टि में ये नहीं,
चलो बहुत दूर पहुंच गए, यहीं पर आओ। तो साधु वही है जो सर्वदा ही तुष्ट है। फिर दैवम किम यत सुकृतम, दैव क्या है जी, जो सुकृत है, विचार पूर्वक जो कर्म किए जाए, जो कर्म किए गए थे वही अब दैव बन करके सामने उपस्थित है, प्रारब्ध बन करके। और कस सुकृति, सुकृति कौन है, तो बताया है यह सद्भी श्लाघ्यते, सज्जन लोग जिसकी प्रशंसा करते हैं, ऐसा कर्म करने वाला क्या है, सुकृति है। सुंदर कर्म करने वाला ही सुकृति है, शुभ कर्म करने वाला। और अपने जो कर्म है वही प्रारब्ध बन करके सामने खड़े होते हैं, और साधु जो है उन्हीं प्रारब्ध का भोग करता है। ठीक है, स्पष्ट हो गया। तो आगे देखो ना, उन 50वां श्लोक देखिए। गृह मेधिनश्च मित्रं किं भार्या को गृही चायो यजते, को यज्ञो यः श्रुत्या विहितः श्रेयस्करो नृणाम्। गृह मेधिनः च मित्रं किं भार्या का गृही च यः यजते, कः यज्ञः यः श्रुत्या विहितः श्रेयस्करः नृणाम्। गृह मेधिनः च मित्रं किं, जो गृहस्थ है, जो क्या है, घर में रहने वाले जो सदगृहस्थ है, तो उनके लिए पूछते उनका मित्र कौन है, गृहस्थी का मित्र कौन है, तो कहते भार्या, जो अपने मन के अनुकूल चलने वाली अपनी धर्म पत्नी है, वही क्या है, गृहस्थी के लिए सबसे बड़ा मित्र है ना, सबसे बड़ी ताकत। गृहस्थी के लिए क्या होती है, उसकी जो पत्नी है, जो समान विचार हो, विचार मिले, एक दूसरे का सम्मान हो, तो गृहस्थ की गाड़ी सहजतापूर्वक निकल जाती है ना। और जीवन में क्या होता है, सत्कर्म होता है, धर्म होता है, त्याग होता है, तप होता है ना। यदि पत्नी कैसी हो, यदि पत्नी मनोनुकूल हो, तो गृहस्थी के लिए तो सबसे बड़ा मित्र है। और जिसकी पत्नी ऐसी ना हो तो वो बेचारा होता है, वो क्या होता है, वो जीवन में सुख को, समृद्धि को, प्रसन्नता को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए गृहस्थी के लिए तो क्या है, स्वयं की जो पत्नी है, जो साथ साथ धर्म का आचरण करने वाली है, सन्मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर सदा साथ देती है, तो ऐसी पत्नी गृहस्थी के लिए मित्र है। अब पूछ रहे हैं जी, कहा ग्रही, गृहस्थी कौन है, वास्तव में गृहस्थ कौन है, जो घर बना के रहते हैं, जिनके पत्नी बच्चे हैं, तो वो गृहस्थ है क्या, तो कहते नहीं। यह यजते, जो क्या करता है, यजन करता है, यज्ञ करता है, क्या करता है, जो यज्ञ करता है वही गृहस्थ है। यज्ञ का मतलब रोज रोज क्या करे, रोज कहते हैं ना, आहर आहर
अग्निहोत्रम कुरियात। रोज रोज क्या करो, अग्निहोत्र कर्म करो। तो उससे मतलब नहीं है केवल, यहाँ पर यज्ञ का मतलब है त्याग। पीछे सुना था ना गीता जी में, विसर्ज विसर्ग कर्म संगीतम, क्या है था विसर्ग का नाम, त्याग का नाम ही क्या है, कर्म करो। त्याग का नाम ही कर्म है, जिसमें त्याग हो, और वही यज्ञ है। यज्ञ क्या है, यज्ञ में क्या है, त्याग ही त्याग है ना। जैसे दान करना, भूखे को भोजन कराना, ये भी यज्ञ है। प्यासे को पानी पिलाना, ये भी यज्ञ है। जहाँ भी त्याग हो रहा है, अहमता ममता का त्याग होना, यही यज्ञ है। ये मत समझ लेना कि खाली समिधा एकत्रित करके और उसमें घृत की और सामग्री की आहुति देना मंत्र पूर्वक, केवल वही यज्ञ होता है, ऐसा नहीं। और सबसे बड़ा यज्ञ तो जप यज्ञ को बोला है गीता जी में, यज्ञानाम जप यज्ञ, उसमें क्या बोला है, तो जप यज्ञ उसमें क्या त्याग हुआ जी, उसमें त्याग हो गया ना, बहिर्मुखता का त्याग, राग का त्याग, स्वार्थ का त्याग, मोह का त्याग, है जगत के प्रति सत्यत्व और महत्व बुद्धि का त्याग, इतना बड़ा त्याग हो रहा है। ममता का त्याग ही यज्ञ है, ममत्व का त्याग। इदम न ममा, इदम न ममा, ये क्या है, तो ममत्व का त्याग जहां जहां होवे वो यज्ञ है, और जहां जहां स्वार्थ जुड़े वही क्या है, वही मलिनता है। जहां जहां पर स्वार्थ जुड़ गया, लोभ जुड़ गया, मोह जुड़ गया, वो क्या हो गया, वो मलिन हो गया। और जहां जहां भी ममत्व का त्याग है वो क्या है, वो यज्ञ है। मेरापने का त्याग, मैं और मेरे का त्याग ही तो करना है, मैं और मेरा ही तो बंधन है, मेरा मेरा मेरा। अब हम किस तरफ चल रहे हैं, मेरे के त्याग की तरफ चल रही, मैं के त्याग की तरफ चल रही, मैं के त्याग की तरफ चल रहे, और मेरे का त्याग हुआ नहीं। ऐसे नहीं होगा ना, आपको बताया था कि जैसे कोई हनुमान जी जैसा होवे सामर्थ्यशाली, तो वो तो क्या करेगा, पेड़ को ऐसे पकड़ेगा, उखाड़ ले, तो शाखा टहनिया पत्ते फल फूल उनके सहित जड़ के से उखाड़ लेगा। लेकिन आपको यदि पेड़ को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले शाखाओं को काटना पड़ेगा, उप शाखाओं को, फिर शाखाओं को, फिर तने को, हैं थोड़ा थोड़ा काटेंगे, उसके पश्चात ही तो मूल को निकालेंगे। अब तो आप हनुमान तो हो नहीं, तो इसलिए पहले क्या करो, जो मेरा 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 जहाँ जहाँ पर है उसका त्याग करो। मेरे मेरे का जहाँ जहाँ पर मेरा मेरा जुड़ा हुआ है ना, उसका क्या करना चाहिए, फिर मैं का त्याग होगा ना। लेकिन आप कहते हो सीधे ही मैं का त्याग होगा, क्योंकि मैं ही तो जड़ है, मेरा अपने आप उखड़ जाएगा। ऐसा कभी होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। लगे रहिए, लगे हुए तो आप है पेड़ को, ये मैं मेरे का अज्ञान का संसार का जो पेड़ है, इसको उखाड़ने में लगे हुए हैं ना, हिला है, हिलेगा भी नहीं। क्या करना पड़ेगा, पहले जहां जहां पर ये मेरा जुड़ा हुआ है, प्रत्येक शाखा को काटे, मेरा मेरा मेरा, ये घर किसका के मेरा, के परिवार किसका के मेरा है, ये गाड़ी किसकी के मेरा मेरी, और वो चीजें अब कहां तक मैं गिना हूं आपको ज्यादा पता है। मेरा 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 का त्याग हो गया, फिर बाकी बच जाएगा क्या, अब शरीर के साथ भी मेरा, मैं भी है और मेरा भी है। तो ये सब त्यागते त्यागते जब मैं रह गया, तब मैं का त्याग किससे हो जाता है, ज्ञान से। मैं माने जीवपने का त्याग, जीवत्व का त्याग, ये किससे होगा,
ज्ञान से हो जाएंगे। तो अब मेरा तो छोड़ते नहीं, तो मेरा छोड़ने का नाम ही यज्ञ है। समझ आया? मेरे का त्याग करना यही क्या है? यही यज्ञ। और जो मेरा मेरे का त्याग नहीं करता है तो वो ऐसा गृहस्थ नहीं है। वो कहते हैं गृहस्थ कौन? यह यजते, जो यजन करता है, भूखे को भोजन देता है। गीता जी में आया था ना कि भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो केवल अपने लिए पकाते हैं वे वास्तव में अन्न नहीं खाते, ते पापा भुंजते, वे क्या खा रहे हैं वास्तव में? पाप खा रहे हैं। जो बिना दूसरों को खिलाए, अतिथि को खिलाए, जीवों को खिलाए है? या किसी भिक्षुक को खिलाए बिना स्वयं खा लेते हैं केवल, तो वो क्या करते हैं? इसलिए पहले था ना, क्या परंपरा थी? पहली रोटी गाय को और दूसरी रोटी कुत्ते आदि को है, ऐसा रहा है ना। और उसके बाद, लेकिन अब तो ऐसी सुविधा भी नहीं रही और ऐसी परंपरा भी नहीं रही, लुप्त होती जा रही है धीरे धीरे। कुछ घरों में है, पूरी तरह तो विलुप्त नहीं है। और पहले तो ऐसा भी होता था कि बिना किसी अतिथि को, साधु को, संत को भोजन कराए, कुछ ऐसे भी सतगृहस्थ होते थे भोजन करते ही नहीं थे, चाहे संध्या हो जाए। तो अब ऐसा क्या था? धैर्य, ऐसा संतोष, ऐसी सहन शक्ति, ऐसा तप, उसके कारण से शरीर तो अपने आप ही स्वस्थ रहेगा, मन भी अपने आप प्रसन्न रहेगा, नहीं रहेगा? क्योंकि साधु की प्रतीक्षा करते करते क्या हो गया? पूरा दिन हो गया, अन्न का दाना गया नहीं, हो गया अपने आप व्रत, तो शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। अब तो क्या है, जब मर्जी हुआ, अभी मन हुआ क्या भुजिया, फिर मन हुआ चाय बिस्किट, फिर मन हुआ क्या पकौड़ा, फिर मन क्या हुआ ये, तो फिर क्या होगा? रोगों का कारण यही तो है, अधीरता का, असह्यम का, असहनशीलता का, ये सब का कारण क्या है? ये स्वच्छंदता, ये मनमानापन, इससे मन भी अशांत और शरीर भी अस्वस्थ रोगी। तो सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सन्मार्ग पर एक गुण अपनाया तो बाकी सारे गुण अपने आप आपके हृदय में आते जाएंगे। और एक अवगुण आ गया, मान लीजिए एक स्वार्थ का भाव है, तो क्या क्या नहीं करेगा? झूठ नहीं बोलेगा, कपट नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा, क्या नहीं करेगा वो? या लोभ का भाव है, वो क्या नहीं करेगा? मोह का भाव है, वो क्या नहीं करेगा? बताओ क्या नहीं करेगा? एक अवगुण है तो सारे ही आएंगे, और एक गुण है तो क्या है? सारे सदगुण आते हैं। हाँ, तो देखो यहीं पर क्या बताया है, गृहस्थ वही है जो यजन करे। आगे बता भी रहे हैं, कहा यज्ञ, यज्ञ क्या है जी? तो कहते हैं यह श्रुत्या विहितः श्रेयस्करः नृणाम, जो श्रुति के द्वारा विहित हो और जिसके द्वारा मनुष्य का कल्याण होवे वही यज्ञ है। वही क्या है? वही यज्ञ, जिससे मनुष्य को श्रेय, श्रेय करो, एक श्रेय है और एक प्रेय, पता है ना? प्रेय क्या है? ये जो समस्त ऐश्वर्य है, ये क्या है? ये प्रेय है, संसार की उपलब्धि, पद पदार्थ, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, ये क्या है? प्रेय है। और श्रेय क्या है? परमात्म प्राप्ति, मोक्ष। इसको ही क्या बोला है? निःश्रेयस। क्या बोला है? निःश्रेयस बोला है ना, मोक्ष, यही श्रेय है।
तो श्रेय करा, जो श्रेय करने वाला हो, कल्याण करने वाला हो, वो सब यज्ञ में आ जाता है। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। अनेकों प्रकार के बताया ना, एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्राह्मणों मुखे, ब्रह्मा जी के मुख से अनेकों प्रकार के यज्ञों का विस्तार हुआ, अनेकों प्रकार के यज्ञ। तो यज्ञ गिनाए हैं ना, क्या क्या यज्ञ? द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संस्ता व्रताः। क्या बोला है? द्रव्य यज्ञ जो करते हैं वो क्या है? भंडा, जैसे सामग्री आहुति देना, ये भी द्रव्य यज्ञ हो जाएगा। भंडारा आदि ये सब क्या आ जाएंगे? द्रव्य यज्ञों में आ जाएंगे। जो भी धन के द्वारा होवे वो द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, और क्या योग, कर्म योग आदि, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग आदि, ये योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय, सदग्रंथों का स्वाध्याय करना, ये भी यज्ञ। ज्ञान यज्ञाश्च, और क्या? ज्ञान यज्ञ लिखते हैं ना जगह जगह, क्या लिखते हैं? श्रीमद भागवत ज्ञान यज्ञ। ये क्या है? ज्ञान यज्ञ है, जहां पर जीव ब्रह्म के स्वरूप का बोध होवे, वो क्या है? ज्ञान। तो अनेकों प्रकार के यज्ञ है, और सबसे बड़ा यज्ञ तो ज्ञान यज्ञ ही, सबसे श्रेष्ठ तो, और आरंभ के साधक के लिए जप यज्ञ श्रेष्ठ। जो शुरुआत है ना, अब जैसे जो बच्चा कभी विद्यालय में नहीं गया, उसके लिए प्राइमरी विद्यालय क्या है? उससे सुंदर स्थान, उससे बढ़िया मंदिर, उससे बढ़िया पूजा स्थल उसके लिए कुछ होगा? क्यों जी? उसके लिए क्या है? मंदिर। कोई प्राइमरी विद्यालय ही मंदिर है, वही उसके लिए सबसे सुंदर स्थान है, पवित्र स्थान है, क्योंकि वहीं से क्या होगा? अक्षर का ज्ञान होगा। और धीरे 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 ज्यों ज्यों आगे बढ़ेगा, त्यों त्यों उसका अज्ञान, अंधकार, मूढ़ता सब क्या होती जाएगी? दूर होती जाएगी। हैं? इसलिए तो आरंभ के जो साधक है उनके लिए जप यज्ञ श्रेष्ठ है, लेकिन बाद में जो उत्तम जिज्ञासु है, वैराग्यवान, उनके लिए क्या है? उनके लिए तो ज्ञान यज्ञ के द्वारा ही जो परम निःश्रेयस मोक्ष है उसकी प्राप्ति होती है। तो इसलिए यज्ञ क्या हो गया? या श्रुत्या अभिमतः या विहितः नृणाम श्रेयस करः, मनुष्य का कल्याण होवे जी, और श्रुति जिसका प्रतिपादन किया है, ऐसा जो कर्म है वही यज्ञ। गीता जी में कहा है, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्, यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। क्या बोला है? यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यम एव तत्, करने ही चाहिए। यज्ञ दान तप कर्म जो भी सत्कर्म है वो सब के सब क्या है? न त्याज्यम कार्यम एवा, यदि कृत कृत्य हो गए तो भी करने ही चाहिए, लोक शिक्षा के लिए। किस लिए करते हैं? अज्ञानी करे अंतःकरण की निर्मलता के लिए, निष्काम भाव से अज्ञानी को कर्म करने चाहिए। कर्म तो किसी भी अवस्था में त्याज्य नहीं है। हाँ जी, क्या बोल रहे?
कर्म जो है किसी भी अवस्था में त्याज्य नहीं है, कर्म तो करने ही चाहिए। जो विहित कर्म है, जो क्या है, वेद विहित जो शुभ कर्म है वो त्याज्य नहीं है, करने चाहिए। जो साधक किस लिए करता है, निष्काम भाव से अपना मेरा हृदय निर्मल हो, इसमें जो ममत्वपना बना हुआ है, राग बना हुआ है, वो क्या हो जाए, गलित हो जाए। साधक तो निष्काम भाव से करता है, फिर ज्ञानी हो गया जी, क्या हो गया। अच्छा ये देख, तीन चीजें बना देते हैं। संसारी जो है वो कामना लेके करता है, साधक जो है वो निष्काम भाव से करता है। किसके लिए करता है, अंतःकरण की विशुद्धि के लिए, परमात्म प्राप्ति के लिए। और ज्ञानी जो है उसको तो कुछ करना पाना बाकी नहीं रहा, वो क्यों करे जी। तो कहते हैं लोक शिक्षार्थ, किस लिए करें, लोक शिक्षा, क्योंकि करने में कोई किसी तरह का बंधन नहीं है। ज्ञानी के लिए कर्म करना बंधन रूप है क्या, बंधन रूप नहीं है, तो फिर क्यों ना करें। तो न करने का आग्रह क्यों, इसलिए न करने का आग्रह नहीं होता है। हाँ प्रारब्ध की बात अलग है, प्रारब्ध में यदि न करना हो तो नहीं होता है, अपना अपना प्रारब्ध है। वशिष्ठ जी जो है वो ज्ञान पा करके भी क्या करा रहे हैं, स्वाहा, क्या करा रहे हैं। जनक जी जो है ज्ञान पा करके भी क्या करा रहे हैं, पूरा राज कार्य संचालन हो रहा है, सब प्रजा का हित तो हो रहा है। ऐसे ही भगवान राम और कृष्ण ज्ञान पा करके क्या करे, दुष्टों का विनाश कर रहे हैं, जिससे कि समाज में शांति की, धर्म की है क्या हो, स्थापना होए। उसके लिए अपना कर्म कर रहे हैं, फल से मतलब नहीं है, मतलब किससे, कर्म करने से मतलब है। फल तो, हाँ फल तो जो है ना यहाँ बदलता ही रहता है, संसार है ही परिवर्तनशील, तो सदा ना यहाँ पर धर्म रहने वाला और सदा ना यहाँ पर अधर्म रहने वाला, परिवर्तनशील। आपके चित्त में कभी अधर्म का डेरा तो फिर कभी धर्म का डेरा, यूं ऐसे चलता रहता है, कभी किसी की अधिकता कभी किसी की अधिकता। अधर्म आता है तो चित्त में विक्षेप अशांति आती है, और धर्म आता है तो क्या होता है, शांति आती है, शांति। झूठ आता है तो हर समय क्या रहता है, अशांत रहता है, और सत्य आता है तो बड़ा निश्चिंत रहता है। तो वही है ना, धर्म आया अधर्म आया चलता रहता। अब आपको देखना आपको किससे ज्यादा प्यार है, वो आपको देखना, जिससे भी ज्यादा प्यार करोगे वही क्या करेगा, आपके हृदय में ठहरेगा, आपके हृदय में घर। अच्छा जी देखो यहीं पर, तो यज्ञ वही हुआ जो श्रुति के द्वारा विहित है और जिसके द्वारा मनुष्य का श्रेय होवे, कल्याण होंगे। आगे बता दूं, आगे देखो, कस्य क्रिया ही सफला यह पुनराचारवान शिष्टः, कः शिष्टः यो वेदा प्रमाणवान को हतः क्रिया भ्रष्टः। कस्य क्रिया ही सफला यह पुनः आचारवान शिष्टः, कः शिष्टः यह वेद प्रमाणवान कः हतः क्रिया भ्रष्टः। कस्य क्रिया ही सफला है, किसका जो कर्म है, क्रिया है, वो सफल होती है, किसकी क्रिया
सफल माने फलदायी। क्रिया तो करते हैं लेकिन फल अनेकों बार फल से रहित रह जाते हैं। तो कहते हैं किसका कर्म करना क्या होता है? सफल होता है। कर्म करना, क्रिया करना किसका सफल है? तो कहते हैं यह पुनः आचारवान शिष्टः, जो क्या है? आचारवान है और शिष्ट है, सभ्य है। ऐसा है, आचारवान है और शिष्ट है, सभ्य है। जिसके पास क्या, आगे बताएंगे शिष्ट कौन है, अभी हम नहीं बताते यहां। तो जो आचरण करे, पहले तो क्या बताया है, जो क्या करे, आचरण करता है और शिष्ट है, उसके द्वारा की हुई जो क्रिया है वो क्या होती है? सफल होती है। और जो बहिर्मुखी है, चंचल बुद्धि है, आचारवान नहीं है, उसका किया हुआ कर्म सफल नहीं होता। जैसे वैराग्य के बिना किया हुआ जो जप है या ध्यान है या विचार है, चिंतन ज्ञान का, आत्मचिंतन, वो फलदायी नहीं होता। इसके बिना, वैराग्य के बिना किया हुआ जप, किया हुआ तप, किया हुआ ध्यान, किया हुआ आत्मविचार फलदायी नहीं होता। यदि इनको फलदायी बनाना है तो उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? वैराग्य का, हाँ, मसाला डालना जरूरी है। वैराग्य के बिना सब कुछ निष्फल है। जप भी किया, तप भी किया, व्रत भी किया, तीर्थ भी किया, योग यज्ञ दान सब कुछ किए, लेकिन वैराग्य यदि नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ हो। वैराग्य में वा बताया था ना कि वैराग्य से फलम बोध, बोध किसका फल है? वैराग्य। योग वशिष्ठ में सुना था ना आपने, जो रागी है उसके लिए शास्त्र भार है। क्या सुना था? जो रागी है उसके लिए क्या है? शास्त्र ज्ञान भार, मात्र बोझा हो गया बुद्धि में, बाकी कुछ नहीं, राग बना हुआ है बुद्धि में। पहले ही बोझा था और एक बोझ आ गया तो बोझा ही बोझा मरता रहा, लाभ तो नहीं मिला ना, लाभ नहीं। तो रागी के लिए ज्ञान शास्त्र बोझा मात्र है, और जिसको वैराग्य है तो उसको वो ज्ञान का क्या हो जाता है? पचन हो जाता है, पच जाता है, अपनी आत्मा का बोध हो जाता है, शांति मिल जाती है जो वैराग्यवान। तो वैसे ही यहाँ पर बताया है कि जो आचारवान नहीं है और शिष्ट नहीं है, सभ्य नहीं है, जो अब विनयी नहीं है, अपने बड़ों का सम्मान नहीं करता, बड़ा ही क्या है, अहंकारी है, वो शिष्ट नहीं है ना। शिष्ट कौन है? विनम्र जो है, सभ्य है, सबसे प्रेम और अपने बड़ों का आदर करने वाला है, सत्कार करने वाला है, वो क्या है? ये कहते हैं बड़ा शिष्ट है, बड़ा सभ्य है। ऐसा जो आचारवान है उसकी सारी क्रियाएं क्या होती जाती है? सफल होती है। जैसे रावण है तो रावण के पास विद्या है, लेकिन विद्या होते हुए भी वो फलदायी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि आचारवान शिष्ट नहीं है। विद्या है या नहीं है?
विद्या है, जो शिष्ट होना आचारवान होना जरूरी है। एक तो जो बात शास्त्र कह रहे हैं उनको क्या करे आचरण में, जो शास्त्र का उपदेश है वो क्या हो आचरण में हो और शिष्ट हो। कई लोग त्याग तो किया, तप भी किया, जप भी किया, लेकिन शिष्टता नहीं, क्या हो गया अहंकार बढ़ा। त्याग तप दान ध्यान आदि क्रियाओं के कारण से क्या हो गया, तो उनका आचरण तो कर रहा है। किसका आचरण किया, त्याग का आचरण किया, तप का आचरण किया, यज्ञ का आचरण किया, दान का आचरण किया, आचारवान है लेकिन शिष्ट नहीं है, विनम्र नहीं है, तो वो क्या हो जाता है, उसकी क्रिया भी फलदायी नहीं। रावण तो दोनों ही नहीं था, ना आचारवान था और ना शिष्ट था, इसलिए उसकी विद्या फलदायी नहीं हो पाई है। तो यहां पर तो सभी के लिए बोल दिया, समस्त क्रिया, समस्त क्रिया उसी की फलदायी है जो आचारवान और शिष्ट हो। कहा शिष्टः, शिष्ट कौन है जी, यह वेद प्रमाणवान, जो क्या करता है वेद को प्रमाण रूप से स्वीकार करता है। हाँ जी, क्या करता है, वेद को, ज्ञान को ही सबसे बड़ा प्रमाण मानता है। किसको प्रमाण मानता है, ज्ञान को ही सबसे बड़ा प्रमाण मानता है। और आप देखो सब कुछ तो होता ज्ञान से ही है, सब कुछ तो ज्ञान से ही हो रहा है। यदि आप चल रहे हैं वो भी ज्ञान से ही चल रहे हैं ना, और कहीं पहुंच रहे हैं तो वो भी ज्ञान से ही पहुंच रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, सबका सब क्या है ज्ञान, पूरा सरा ही है ना। ज्ञान पहले चलता है, सबसे पहले क्या चलेगा ज्ञान, ज्ञान के बिना तो क्या है, अब आपको रास्ता नहीं दिख रहा है तो पैर आगे बढ़ते हैं क्या, बढ़ते हैं, तो पैरों को आगे बढ़ने के लिए भी क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए ना, प्रकाश चाहिए ना, वो ज्ञान ही। तो सब कुछ ज्ञान पूर्वक ही होता है, पूर्व में क्या हो ज्ञान, पश्चात होती है क्रिया कर्म। तो यहां पर वेद, वेद जो है वो ज्ञान के लिए, ज्ञान का सागर है ना, वेद क्या है, उसमें बड़े बड़े जो सिद्ध तपस्वी ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी उन सब का जो अनुभव है, उन्होंने जो साधना की है उसका जो सार है, वो सारा का सार 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 लिख दिया है जिज्ञासो के कल्याण के। उससे बड़ा कोई प्रमाण हो सकता है क्या, उससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। क्यों, उसके पीछे ना कोई स्वार्थ है, ना कोई लोभ है, ना किसी प्रकार की कामना है। इस कारण से जो वेद ज्ञान है उससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। ऐसी संतों का बोलते हैं ना कि आया है कि शब्द प्रमाण क्या है, तो आप्त प्रमाण बोलते, आप्त, आप्त क्या होता है, कहते आप्तस्तु यथार्थ वक्ता। आप्त कौन है, जो यथार्थ का, सत्य का, वास्तविकता का जो कथन करें। अब वास्तविकता का कथन करने के लिए क्या चाहिए, यदि लोभी है, स्वार्थी है, तो वो वास्तविकता का कथन करेगा, कर सकता है क्या, जिसको कुछ कामना है वास्तविकता का कथन नहीं कर सकता है। तो जो निष्काम है, निश्चल है, निष्कपट है, ऐसे जो महात्मा हैं उनके वचन ही
प्रमाण हैं, क्योंकि वो अत्यंत यथार्थ। तो ऐसे ही वेद क्या है, वो परम प्रमाण है। वेद क्या है और सदा सर्वदा के लिए प्रमाण है। वेद का ज्ञान एक देशी नहीं है, वो क्या है, सदा के लिए, सभी कालों में, सभी देशों में। जैसे कहा है दया, तो कहाँ दया नहीं चाहिए? सतयुग में दया की आवश्यकता नहीं, या द्वापर में नहीं, या कलयुग में नहीं, कहाँ नहीं? या भारत में दया, पाकिस्तान में हिंसा, ऐसा दया सब जगह सार्वत्रिक है, ये सदा के लिए दया है, सहन शक्ति, सेवा, क्षमा, धैर्य, संतोष, ये सब क्या है, भारत में होने चाहिए और अमेरिका में इनकी आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं। ये तो सार्वत्रिक है, सर्वदेशी है और सब कालों में प्रासंगिक है। ऐसे नहीं कि वेद जो है वो कल तो प्रासंगिक थे, आज प्रासंगिक नहीं रहे। इफेक्टिव बोलते हैं क्या, कि आज इफेक्टिव नहीं है, है भाई, आज भी है, सदा है, सदा रहेंगे, क्योंकि वो जो ज्ञान है वो कैसा है, सार्वत्रिक है, सार्वभौमिक है ये ज्ञान। तो इसलिए कहते हैं वेद को जो प्रमाण मानता है, ज्ञान ही प्रमाण है जिसके लिए, वो शिष्ट है, उसका आचरण जो करता है वह शिष्ट है। कहता, तो कहते मरा हुआ कौन है जी, जीते जी मरा हुआ कौन है, तो कहते क्रिया भ्रष्टा, जो क्या हो गया है, अपनी जो क्रिया है, कर्तव्य है, उससे जो भ्रष्ट है, वो वास्तव में क्या है, जीते जी मरा हुआ, अपने कर्तव्य पथ का जिसने परित्याग कर दिया। कर्तव्य क्या है, क्या कर्तव्य, कर्तव्य तो है आत्म कल्याण, और आत्म कल्याण के लिए सहायक जो सद्गुण, सत्कर्म, धर्म आचरण, वो सब क्या है, वो सहायक है ना, तो वो कर्तव्य है। तो धर्म का पालन, कर्तव्य का पालन, शुभ कर्म का करना, ये सब क्या आ जाएंगे, ये सब कर्तव्य में आ जाएंगे। तो जो अपने कर्तव्य से भ्रष्ट हो गया, वो क्या है, जीते जी मरा हुआ है, अर्थात स्वार्थ में, लोभ में, मोह में निरंतर कपटपूर्ण आचरण करके केवल सांसारिक लोभ लाभ के लिए ही निरंतर जो प्रवृत्त रहता है वह क्या है, मरा हुआ ही। हाँ जी, वो क्या है, मरा हुआ है। अर्थात जो लोक से अलग परलोक को या निःश्रेयस को स्वीकार नहीं करता है, वो मरा हुआ है। खाओ पियो मौज करो, किसने देखा है स्वर्ग या नर्क, या किसने देखा है ऐसे जीते जी मरे हुए, खाओ पियो मौज करो। जो चार वाक्य के लिए आया है ना, नास्तिक पुनर्जन्म भी नहीं मानते, भाई जो कर रहे हैं वो भोगना पड़ेगा ना, हाँ? जो कर रहे हैं वो सब। आज ही हम सोच रहे थे कि कितना कितना पुरुषार्थ परिश्रम करके जो महात्मा है, ऋषि लोग है, उन्होंने ये सब लोक परलोक का या जीव जगत जगदीश का ये जो इतना गहन चिंतन, इतना गहन विचार ये प्रस्तुत किया है, साधारण है क्या?
नहीं तो क्या स्वीकार करते, बस जो दिख रहा है वही है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ऐसी मान्यता वाले लोग अधिक है ना, जो जो हमारी इंद्रियों का विषय हो रहा है वो वही सत्य है और इसके अलावा कुछ है नहीं, ऐसा ऐसी बुद्धि है जिनको। तो ये देखो कितना बड़ा उपकार है सत्य को खोजना और इतना सारा ज्ञान धर्म का, कर्तव्य का, सन्मार्ग का जो रख दिया है, जिससे जीवों में क्या बना रहे, प्रेम भी बना रहे और श्रेष्ठता आए, ये श्रेष्ठ बनता जाए और आत्म कल्याण को प्राप्त करे। तो वो तो मरा हुआ ही है जो क्रिया से भ्रष्ट है और जो अपने कर्तव्य पालन में लगा हुआ है, वही वास्तव में धीरे धीरे उसकी ही क्रिया सफल है। और पूर्ण सफलता क्या है, पूर्ण सफलता क्या है, आत्म कल्याण करना, अपनी आत्मा की, अपने स्वरूप की ब्रह्म रूप से जो अनुभूति है ये कर लेना, यही श्रेय है, यही मोक्ष है। तो मोक्ष पा लिया है जिसने, क्या किया है, मोक्ष पा लिया, जो जिसकी जो अपने कर्तव्य के पालन में लगा है, और जो कर्तव्य से भ्रष्ट हो गया वो क्या हो गया, वो तो मरा हुआ ही। गाड़ी उतर गई ना पटरी से, क्या हो गई, गाड़ी उतर गई तो दुर्घटना हो गई, और जब तक पटरी पर गाड़ी है अपने गंतव्य पर सहजता से पहुंच जाती है। तो वैसी जो स्वार्थ में, लोभ में, मोह में आकर के अधर्म का, पाप के आचरण में लगा हुआ है, वो जीते जी मरा हुआ है। और जो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, धर्म का पालन कर रहा है, सन्मार्ग पर लगा हुआ है, तो वो धीरे 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 अपने लक्ष्य तो पहुंच जाता है। समझ आ गया जी, तो ये स्पष्ट हो गया है। तो इसके साथ साथ समय भी हो गए हैं, बाकी का विचार हम लोग कल ही करेंगे, आज इतना ही रखिए। ओ, ओ, ओ।